बेसिकली दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नेटवर्किंग के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में। बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, क्या चूज़ करना चाहिए। अगर आपके मन में कन्फ्यूजन या डाउट हो रहा है कि यार मुझे नेटवर्किंग में जाना चाहिए, सॉफ्टवेयर में जाना चाहिए, तो ये वीडियो लास्ट तक का देखते रहो और आपका जो सारा कन्फ्यूजन वो क्लियर हो जाएगा। सैलरी के बारे में डिस्कस करेंगे लास्ट में, वर्क प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे, तो काफ़ी कुछ इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। नेटवर्किंग वर्सेज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम और आप देख रहे हैं आपका अपना आईडी इंजीनियर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से छोटी सी इंट्रो के बाद। तो पहले बात कर लेते हैं नेटवर्किंग के बारे में। या तो दोस्तों, नेटवर्किंग क्या है? स्विच, हब, राउटर, यानी कि टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन टू डिवाइसेस। अब वो आपका स्विच हो सकता है, राउटर हो सकता है, स्विच टू कंप्यूटर हो सकता है, कंप्यूटर टू स्विच हो सकता है। तो बेसिकली ये होता है नेटवर्किंग। और ये मतलब क्यों यूज़ करते हैं? ये सिर्फ इसलिए यूज़ करते हैं, टाइम सेविंग एंड रिड्यूस कॉस्ट होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। एज ए कंपनी अगर मैं बात करूँ तो वो इसलिए नेटवर्किंग का यूज़ किया जाता है वहाँ पे। अब बात कर लेते हैं इसके वर्क प्रोफाइल के बारे में। पहले मैं बता दूँ कि नेटवर्किंग में जॉब पाना एज़ कम्पेयर टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर थोड़ा सा इजी है। यानी कि नेटवर्किंग में आपको जल्दी से जॉब मिल जाती है क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इतनी प्रोग्रामिंग वगैरह या काफ़ी सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी पड़ती हैं। बेसिकली जो हम लोग ना बचपन से पढ़ते चले जाते हैं, 8th 9th 12th या ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, जो अपनी याद करने का जो स्टैमिना हो जाता है, तो अगर आप नेटवर्किंग में ना याद करके भी चले जाओगे तब भी इंटरव्यू निकल जाएगा या तब भी एग्ज़ाम निकल जाएगा। उसमें आपको कहीं प्रोग्रामिंग बेस्ड कुछ भी नहीं मिलता है। और थोड़ा सा जहाँ तक मेरा मानना है, ये एक रिलैक्सेबल जॉब है। यानी कि 24/7 कंपनी ज़्यादातर होती हैं, तो आपको 8 घंटे तो 8 घंटे एज अ प्रेशर वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि जब आपका काम होगा तब काम करना पड़ेगा, और जब काम नहीं है तो आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। हालांकि ये कुछ कंपनीज में होता है, हर एक कंपनीज में नहीं होता है। एक कंपनीज में ये होता है कि काम नहीं है तब भी अपनी चेयर पे बैठे रहो बेसिकली। लेकिन काम कम होता है, प्रेशराइज भी कम होता है, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर अब मैं बात करूँ इसकी सैलरी के लिए, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सॉफ्टवेयर लाइन से नेटवर्किंग में सैलरी कम है, कुछ कम है, लेकिन इतना नहीं कि पता चले सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर 100% है तो नेटवर्क इंजीनियर 50%, ऐसा नहीं है। 70% 80% इतना सारा है। और इसके बाद भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह होता जाता है तो नेटवर्किंग में भी अच्छी खासी सैलरी है। अब इसमें जैसे कोर्सेस होते हैं, वो तो मैंने पहले ही कई सारी वीडियोस में डिस्कस किया है कि अगर आप आईटी में जॉब करना चाहते हो तो आपको टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको अपने आप को अपडेट करते रहना है। तो कोर्सेज होते हैं लाइक CCNA, CCNP, CCIE, जो एक्सपर्ट वगैरह होते हैं, इनके एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, वो आपको क्लियर करने पड़ते हैं। लेकिन आप किसी एक ब्रांड इंस्टीट्यूट से करोगे तो आप लगभग मान के चलो कि 1 लाख तक आपका खर्च हो जाएगा ये सारे कोर्सेज करने के लिए। लेकिन फिर इसके बाद अगर सारे कोर्स क्लियर कर लिए ये सारे, तो मिनिमम आपको मान लो विदाउट क्वालिफाइड एग्ज़ाम, अगर आप एग्ज़ाम नहीं देते हो डायरेक्ट ऐसे ही जाते हो, तो नॉर्मली 3 से 4 लाख तक का पैकेज आपको मिल जाएगा। जहाँ तक मतलब जो वेबसाइट्स वगैरह हैं या ग्लास डोर वगैरह पे, तो उतना आपको मिल जाएगा 3 से 4 लाख तक। अगर आप एग्ज़ाम दे के जा रहे हो तो मिनिमम पैकेज इन तीनों का अराउंड 4.5 लाख या 5 लाख के ऊपर ही होता है, यानी कि 5 लाख के ऊपर ही होता है अगर आपने ये तीनों एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिए हैं। बट ये है थोड़ा सा कि फ़ीस भी कॉस्टली होती है अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे, जो टॉप ब्रांड इंस्टीट्यूट हैं, अगर आप उनमें जाओगे तो उनकी ओबियसली फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और आप चाहो तो एज ए स्टार्टिंग करियर हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स कर सकते हो, और उसके बाद कोई कंपनी पकड़ के बाकी सैटरडे संडे वीकेंड क्लास होती रहती हैं, आप चाहो तो नेटवर्किंग वगैरह की क्लास भी ले सकते हो इसमें। और अच्छा जॉब ये भी होता है, ऐसा नहीं कि ख़राब जॉब है, लेकिन सैलरी थोड़ी सी कम होती है सॉफ्टवेयर के इंजीनियर के अकॉर्डिंग से, कम, इतना भी कम नहीं, एकदम कम। तो अब बेसिकली बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए। तो जो मुझे जहाँ तक लगता है, ये मेरा मानना है, आप किस में इंटरेस्ट रखते हो, क्या करते हो, तो मतलब वीडियो को दिल पे मत लेना। सीधी सी बात यह है कि अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में अगर आपकी 8 घंटे की जॉब है, तो आपको 8 घंटे सिस्टम के सामने बैठ के कोडिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, आपने 3-4-5 पेज की कोडिंग लिख डाली एकदम, और उसके बाद पता चले कहीं 2-4 डॉट का मिस्टेक है, कहीं पॉइंट नहीं लगा है या कॉलन वगैरह,
काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं हज इंक्लूड स्टूडियो डॉट हज करके ऐसे भी लगाते हैं उसमें। अगर आपने कहीं भी एक जगह मिस्टेक कर दिया तो पूरा प्रोग्राम रन नहीं होता। आप ज़रा सोचो, 3 से 4 घंटे बैठ के आपने कोडिंग की और फिर बीच में कहीं प्रोग्राम वो नहीं मिल रहा है, कोई बग है या कोई भी है, कुछ भी है, तो आपको वो नहीं मिल रहा है तो फिर अपना दिमाग ख़राब हो जाएगा। इतना मैंने कोडिंग किया और नहीं मिल रहा। और इसमें प्रोजेक्ट बेस्ड काम होते हैं। अब किसी कंपनी ने प्रोजेक्ट दे दिया 5 लाख का और वो कहती है कि मेरे से तुम 7 लाख ले लो लेकिन प्रोजेक्ट मुझे 15 दिन के अंदर चाहिए। अब पता चले वहाँ जितनी भी सारी टीम है वो लगी रहती है, 8 घंटे का 10 घंटे हो जाते, 12 घंटे हो जाते, क्योंकि उनकी एक डेडलाइन है, उन्हें 15 दिन में प्रोजेक्ट सबमिट करना है। अब जो कंपनी के ऑनर हैं वो बैठ के तो करेंगे नहीं, वहाँ के जितने एम्प्लॉय हैं उनसे ही कराया जाएगा। तो काम भी अच्छा खासा रहता है, प्रेशर भी अच्छा खासा रहता है, बट ये है कि सैलरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बहुत अच्छी होती है। और इसमें भी है कि आपको प्रॉपर टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग अपडेट रहना है। लाइक अगर आप PHP, CSS, MySQL या जावा वगैरह, C++ या इस तरीके से कुछ प्रोग्रामिंग आपने कर रखी है, अब तो पाइथन भी बहुत ज़्यादा डिमांड पे हो रही है या हो भी चुकी है, तो मतलब इस तरीके की जो लैंग्वेजेस हैं वो आपको सीखनी पड़ेंगी और अपडेट करना पड़ेगा प्रॉपर आपको। और जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है सॉफ्टवेयर लाइन में, वैसे ही सैलरी बढ़ती रहती है नॉर्मली। मतलब स्टार्टिंग कैरियर हो सकता है कि आपको कम मिले, 10,000, 12,000 या 15,000, लेकिन एक्सपीरियंस के बाद तो 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख तक भी पैकेज जाते हैं और इसके ऊपर भी जाते हैं। और डिपेंड करता है कि आपके पास नॉलेज और स्किल कितनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए मैटर करता है। बाकी इस वीडियो से मैं ये नहीं बताना चाह रहा कि आप नेटवर्किंग फील्ड कर लो, आप सॉफ्टवेयर में चले जाओ। जो मेरा ओपिनियन है या जो मेरा मानना है वो मैंने डिस्कस किया। बाकी आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट हो, वो चाहे नेटवर्किंग हो चाहे सॉफ्टवेयर हो, आप उसमें जा सकते हो। मैंने बस इसमें जस्ट अपना ओपिनियन डिस्कस किया है। तो आप ये मत सोचना कि नहीं आपने सॉफ्टवेयर को इतना बड़ा चला के बताया या नेटवर्किंग को इतना बड़ा चला के बताया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप चाहो तो उसमें जा सकते हो। बस बेसिकली थोड़ा सा मैंने डिफरेंस बताया। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट्स या क्वेरी वगैरह है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मेरी मेल आईडी पे दे सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई देने का। कोशिश करने में ही 100% रिप्लाई दे ही देता हूँ। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई कमेंट्स या क्वेरी नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। एंड अगर आपको ऑन स्पॉट आंसर चाहिए तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके फाइंड करके और वहाँ से मुझे फॉलो करके मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई ऑन स्पॉट दे देता हूँ। अगर आपको मेरी मेल आईडी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको मेरे यूट्यूब चैनल की, आप वहाँ से विजिट करके मेरी मेल आईडी फाइंड करके आप मुझे मेल भी कर सकते हो। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है अगर आप वो बताना चाहते हो, या कुछ क्वेरी या सजेशन है तो वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसको पढ़ के ज़रूर रिप्लाई करना चाहूँगा। एंड दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दे रहा होगा, वहाँ पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन को भी हिट कर लें। वहाँ पे एक ऑल का ऑप्शन मिलेगा, तो ऑल पे क्लिक करके बेल आइकन को हिट कर लें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड गुड बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।